नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के खगड़िया के ग्राम मुरली पंचायत में रास्ते में दलदल, प्रखंड बेलदौर पुनर्वास से लेकर कब्रिस्तान तक लगभग में नरकिया और दयनीय स्थिति है। ग्राम पंचायत मुरली पचोक जो की प्रखंड बेलदौर को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है, अतः ग्रामीणों से यहां की नरकीय और दयनीय स्थिति का आंखों देखा हाल देखिए। स्टेट हेड सुनील कुमार की रिपोर्ट। एक बार आप हमें अपना परिचय दे। अखिलेश चौधरी नाम है, घर मुरली है। आई बे रोड कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? पचौत पुरनवास से लेके दिघौन जो है कब्रिस्तान तक ये रोड है। यहाँ डैमेजे है जी, जाने आने में साइकिल से भी गिर जाता है, मोटरसाइकिल से भी गिर जाता है। सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए। पचौत पंचायत से पंचलाल यादव, मुरली मेरा घर हुआ, जो कि पुनर्वास से लेके मिडिल स्कूल बेलदौर तक मुरली तक जो है बहुत डैमेज रास्ता है। यहाँ का ग्रामीण बहुत तकलीफ से बेलदौर आने जाने में होता है। पंचायत की दिक्कत से बहुत परेशानी होता है, पंचायत भवन नहीं रहने से। और मेथनगर पंचायत में बहुत दिक्कत है पंचायत भवन नहीं रहने से। और हाई स्कूल का भी जरूरी है, नीतीश सरकार खाली कहता है स्कूल हम हर जिला में खोल रहे हैं, हर पंचायत में खोल रहे हैं। कहीं यहाँ स्कूल का हाई स्कूल का जहाँ मांग है वहाँ तो होबे करता है। यहाँ जमीन का भी उपलब्ध है, तब पर भी नहीं स्कूल खुलना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरवीन कुमार यादव हुआ। अभी कहाँ से आप बोल रहे हैं? हम तो मेथनगर पंचायत से बोल रहे हैं। प्रखंड बेलदौर है, जिला खगड़िया। किनार रहने के कारण बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ ये सब जानबे नहीं करे छे, ककरा कहे छे पंचायत भवन है स्कूल, बुढ़ाए गेलिए कहिए बाल बच्चा देखने छे पढ़ते नहीं छे, कहाँ में स्कूल छे या केहन स्कूल है छे। अपन एक बार परिचय दियो। हमर घर महिनाथ नगर। अपना नाम बोलियो। समस्याओं का सामना करना पड़ता है जनता को। देखिए, पंचायत भवन नहीं रहने के कारण समस्या पड़ता है कि जो भी काज ग्रामीण जो है सपना से करा सकते थे वो जाता है बेलदौर, तो नहीं हो पाता है। समय भी अभाव लगता है इसको जाने में, लेकिन वहाँ नहीं बनने के कारण ये लोग अस्वस्थ रहता है, बार बार आता है मुखिया जी के पास, तो कुछ काज जो है मुखिया जी अपना थ्रू करवाता है बेलदौर जाके। ये भी सुने हैं कि इस पंचायत में हाई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल भी नहीं है। पंचायत सरकार भवन के लिए भी मतलब जमीन अवेलेबल बहुत है जी, लेकिन मुखिया जी को हम लोग बोलते हैं तो बोलता है अब होगा तब होगा, लेकिन जब जाते हैं सीओ साहब के पास तो कहता है एनओसी के लिए, तो एनओसी नहीं देता है, तो उसके लिए मुखिया जी नाराज है जी। हाई स्कूल का भी मांग कर रहे हैं, हाई स्कूल नहीं है इस पंचायत में, उस पर आपका क्या कहना है? हाई स्कूल के लिए तो बहुत दिक्कत है, जो कि इस गांव से बाहर जाने पड़ता है पढ़ने के लिए। सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दें हमारे चैनल को। सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश यादव, ग्राम पंचायत राज महिनाथ नगर, वर्तमान मुखिया जी। पंचायत भवन की क्या समस्या है? पंचायत भवन देखिए, मेरे पंचायत में अभी पंचायत भवन नहीं बना है, जबकि सीओ के लापरवाही के कारण पंचायत भवन नहीं बन रहा है। जमीन अवेलेबल रहने के बावजूद भी सीओ रिपोर्ट करते हैं कि महिनाथ नगर पंचायत में जमीन अवेलेबल नहीं है। अतः हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक आप इस क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं पंचायत भवन के निर्माण के संबंध में? सरकार से यही कहना चाहूँगा कि मेरा पंचायत में जमीन अवेलेबल रहने के बावजूद भी सीओ एनओसी नहीं दिए जा रहे हैं, और मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन का महा जरूरी है बनना चाहिए। हर हालात में पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए। उसके बाद पंचायत में हाई स्कूल नहीं है, मेरे पंचायत के नाम से हाई स्कूल जबकि उत्क्रमिक मध्य विद्यालय आए थे, उनको उठा करके बीओ साहब पता नहीं क्या सब किए, कैसे किए नहीं किए, वो तो हम नहीं बता सकते हैं। अभी तक में आपके पंचायत में हाई स्कूल नहीं है? हाई स्कूल नहीं। सरकार से ये भी मांग करते हैं कि हाई स्कूल के भी व्यवस्था हो और यहाँ हाई स्कूल जिससे कि शिक्षा में सुधार हो जी, और इस पंचायत के बच्चे पढ़ लिख करके कुछ IPS या दरोगा या कुछ बने जी। गाँव देहात है जिन